हर साल रामनवमी के उपलक्ष्य में भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया जाता है, जिसमें पैदल की संख्या में हजारों पुरुष महिलाएं भाग लेते हैं। यह आयोजन पूरे देश के सभी जगहों पर किया जाता है। इस दिन सभी राम भक्त रामनवमी के त्योहार को भगवान श्री राम के जन्मोत्सव के रूप में मनाते हैं। इसी खुशी में धरमजयगढ़ में भी हर साल भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया जाता है। पिछले साल की भांति इस साल भी बहुत बड़े रूप में आयोजन करने का जिम्मा धरमजयगढ़ के रामनवमी समिति के सदस्य और संगठन के कार्यकर्ता समेत कई युवाओं ने अपने कंधों पर लिया है, जिसका भव्य रूप में आयोजन किया गया है। वहीं रैली का प्रारंभिक स्थल धरमजयगढ़ कॉलोनी के काली मंदिर प्रांगण रखा गया था, जहां सैकड़ों की संख्या में राम भक्त एकत्र हुए, जिसके बाद भगवान की पूजा कर शोभा यात्रा प्रारंभ की गई। इस शोभा यात्रा में छोटे छोटे बच्चों को भगवान की वेशभूषा पहनाकर भगवान के रूप में प्रस्तुत किया गया, जिनके पीछे डीजे में भगवान राम के गानों में भक्त नाचते हुए नगर के भ्रमण पर निकल गए। शोभा यात्रा धरमजयगढ़ कॉलोनी से होते हुए पीपरमार पहुंची, जहां दर्जनों महिला और पुरुष रैली में शामिल हुए, जिसके बाद रैली पत्रापारा ले जाई गई, जहां से रायगढ़ रोड होते हुए रैली बस स्टैंड पहुंची, जहां रैली को कुछ देर रोका गया। तब बस स्टैंड में भक्तों ने जमकर डांस किया। कुछ देर बाद रैली आगे बढ़ी और नीचे पारा होते हुए राम मंदिर पहुंची, जहां भक्तों ने भगवान का प्रसाद ग्रहण किया, जिसके बाद भगवान राम का पूजा अर्चना कर रैली का समापन किया गया। इस रैली में सैकड़ों की संख्या में भक्तगण उपस्थित रहे। धरमजयगढ़ से मुकेश मौर्य की रिपोर्ट।